ਭਾਈ ਲੋਕ ਆ ਜਮਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੋਪਵੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੰਡੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੱਬੇ ਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਗੰਡੋਲਾ ਔਰ ਰੋਪੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਚਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈਆਂ ਮਤਲਬ ਆਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ बहुत सुंदर सुंदर यहाँ से यहाँ से इधर से हाँ नहीं वो अलग है यहाँ जाना है तो लो जी आज हम वो रोक वे हाँ आई थिंक उधर ही है टिकट उधर है ओके चलो मेरे को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना जी आपको जम्मू बाहू रोक वे स्टेशन है तो मेन जो जम्मू की सिटी है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा वो सिद्रा रोड पे रास्ता जाता है ना सिद्रा से भी जाता है और जो हम गार्डन गए थे ना वहाँ से भी रास्ता आता है ऊपर हाँ सिद्रा से जाता है वहाँ से भी आपको ये मतलब नियर अबाउट ही है सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है तो मेरे को पता नहीं अभी वो बॉक्स सा नहीं होता जैसे एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं वो वायर सी होती है तो वहाँ से हम इस साइड से उस साइड पे जाएंगे नहीं वो जाएंगे वहाँ पे जाएंगे हाँ हाँ वो चल रहा दिखाना आ जाए मम्मा आप रुको एक सेकंड में चल रहा है हाँ दिख रहा चल रहा है ना हाँ वाह अच्छा लग रहा है ना हाँ। तो जे इधर की तरफ से उधर और उधर से इधर आएंगे हाँ। तो देखते हैं कैसा फील आता है डर लग रहा मेरे को नहीं लग रहा मम्मी को शायद लग रहा मम्मा डर लग रहा डर लग रहा मुझे तो डर लगता है बैठो नहीं आप दोनों बैठो क्यों नहीं मम्मी को जबरदस्ती बिठाने मम्मी ने हमें बोला कि ऐसे करना एक में मैं अकेली बैठ जाऊंगी और एक में आप दोनों बैठ जाना तो हमें पता चल गया कि मम्मी कहती है कि मैं चीखे बहुत मारने वाली मैं शोर मचाने वाली तो हम लोग मम्मी को साथ लेके जाएंगे एक ही डब्बे में जाएंगे तीनों दो में तो मम्मी आप और अकेले डरोगे नहीं मैं क्या बोलूं ना बैठूंगी टिकट तो हमने ले ली होगी फिर वेस्ट हो जाएगी तो तीन टिकट लेते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या जबरदस्ती बिठा देना बस हमने हाँ रोए जो मर्जी करे चल टिकट ले टिकट ले लिया टिकट दिखा दो ये अभी आपको पड़ेगी 250 में हाँ जी इस पे 300 लिखा है लेकिन ये आपको पड़ेगी 250 में ये इधर से जाएगा उस तरफ ठीक है ओके ये टोटल जो राइड है आने जाने की ये आपको 8 मिनट का एंजॉयमेंट मिलेगा अगर आपने इससे आगे जाना वो आधे घंटे की राइड है और आपने जो टिकट लेनी है वो आपको मिलेगी 500 में पर पर्सन हाँ पर पर्सन 500 में एक बंदे को वो इससे आगे भी आप जा सकते हो आधे घंटे की एक्स्ट्रा राइड है जे तो 8 मिनट की एक्स्ट्रा होगी हमारे लिए इतनी ठीक है मम्मा डरते हाँ, तो अभी हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो हमने अभी 250 वाली ली है अगर हमें लगेगा कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके देन हम आगे की टिकट बाय कर लेंगे हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं हाँ लेकिन वो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगी लेकिन चलो कोई बात नहीं थोड़ा इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है कैसा लगेगा डर लग सकता है तो चलो फिर करिए शुरू हाँ जी इतू आ साइड तू जाना ओके लो भाई लोगो यहाँ से जाएंगे वहां तक इस बंदे को डर लग रहा है
सच बता दो, वो देखो आपके पीछे आ गए, वो टोकरियां सी, टोकरियां सी है, टोकरियां नहीं है, रोपे तो है, गंडोला, गंडोला बोलते हैं इस चीज को। तो हम पीछे आए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, आप भी क्लिक, हाँ क्लिक कलाना। आप तो अभी से तोतला बोलना शुरू कर दिया, अभी तो हम बैठे भी नहीं, डर के मारे, सही डर आपका सामने आ रहा है, कितना गहरा है, बहुत गहरा है, आप सोच भी नहीं सकते। लंबा वाला तो आप डर रहे हो, क्योंकि वो वाली तभी को क्रॉस करना उस वाले ने, लंबे वाले ने, वो भाई साहब इधर वाली पहाड़ी से उधर की तरफ जाएगा, वो सामने जाएगा, वो आधे घंटा का है आने जाने का। तो अभी हम फिलहाल इसमें बैठने वाले हैं, अच्छा फील आएगा मेरे को लगता, हाँ अच्छा ही आएगा, बहुत गहराई है नीचे, बहुत टू मच खाई और गहराइयां जो भी। और अभी मेरी मंदिर एक्चुअली माया मंदिर, हाँ ओके माया मंदिर, तो वो स्टॉप करते हैं वहाँ पर शायद दर्शन करने के लिए और पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए, क्योंकि पीछे व्यू भी अच्छा है। ओ वो वाले मंदिर पे, हाँ जी वो मोह माया मंदिर है, उसका स्टॉप तभी उस साइड बनाया हुआ। ओके तो चले फिर, चलो भाई हम अभी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं इस पे बैठकर, तो फिर आपको बताएंगे कि डर लगा या नहीं लगा, सच में सच बताएंगे। मम्मी को तो हमारे मम्मी को आज ही मम्मी हमेशा को बोलते, सच बताएंगे डर लगा या नहीं लगा और कितना मजा आया आपको, ये पैसे जो 250 आपने दिया वो जायज हैं या फिर नहीं है यार, मजा आता है। हाँ वो बाद में बताएंगे ना, अभी नहीं बता सकते, अभी मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, मैं तो कभी पता चला नीति सबसे ज्यादा डर रही है वहाँ पे, वो बाद में पता चलेगा, ये बात अलग है, अभी मेरे को पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, जीरो एक्सपीरियंस है, मैं तो कभी नहीं बैठी इस पे, कभी भी नहीं, मैं भी नहीं बैठी वैसे, हाँ इस वाले में नहीं बैठी, मैंने वैसे हेलीकॉप्टर की राइड तो ली है, मेरे को लगा कुछ समथिंग सेम वैसा ही है, देखते मैं हैं। दूसरे वाले में बैठी हूँ, वो ना ऐसे स्ट्रेट था, यहाँ से मतलब खाई से ऊपर मंदिर था एक, वहाँ पर गई थी मैं, बॉम्बे में था वो, मगर वो ऐसा स्ट्रेट में ही था, वो भी हवा में ही था पर थोड़ा स्ट्रेट था, ऐसा खाई नहीं थी बीच में। ओके और एक बात और, आप मेरे को बताना कि अभी मेरी हिंदी कैसी होगी, मेरे को लगता है पहले से बढ़िया हो गई है, लेकिन पता नहीं, पहले तो आप हंस रहे थे, मेरे को इतना पता है। मम्मा पहुंच गए हमारे, वो पीछे खड़े हैं, तो चलो भाई लोग हम भी निकले फिर। तो इधर आप गाड़ी की पार्किंग लगा सकते हो, रेस्टोरेंट भी है, हाँ बहुत बड़ा, मैं दिखाऊंगी ये रेस्टोरेंट, आप इधर कुछ खाना हो तो फिर खा भी सकते हो, पार्किंग भी है, खुली जगह है, तो वहाँ सामने वॉशरूम है, आप हल्के भी हो सकते हो अगर ज्यादा आपने खाना खा लिया तो। यहाँ भाई लोग रेस्टोरेंट है, हाँ दिखा दिया मैंने अच्छे तरह से दिखा दिया, लो भाई साहब तो हम फाइनली इस डेक पे पहुंच गए हैं, आप यहाँ से आपको एंट्री करनी है, वहाँ से तो वो खड़े हैं हमारी वेट, हमारी नहीं चलो सब लोगों की वेट पे, तो इस टायर पे जे सारा हैंग होता है, और ये वाली यार थोड़ा डर भी लग रहा, ये वाली जो वायर है इस पे सारा वजन होगा उस गंडोले का, इसको गंडोला बोलते हैं, वो दूसरी तरफ जाना है, गहराई टू मच लग रही है मुझे, तो देखते हैं क्या होगा आगे। ये लोग उधर से भाई लोग वापस आ गए हैं, तो इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, सिर्फ आप लोगों ने बैठना, पहले वाली मेरे को खाली लग रही है, हाँ वो खाली है, दूसरी में एक बंदा बैठा है, तीसरी भी खाली है, चलो हम अभी बैठने के लिए जा रहे हैं गंडोला में। चलो सर भी पहले आप,
लो भाई साहब हम बैठ के विंडो में, भैया जी विंडो नहीं क्लोज करोगे खुद ही होएगा। अच्छा खुद हो जाएगा, वो बोल रहे हैं जी विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? हमारी तो भाई विंडो ही नहीं क्लोज हो रही। कब होगी? हो गई। वाह ऑटोमेटिक है ना। तो लो जी चले हैं उधर, किधर से भी पहाड़ के उस पार। हम अभी सेंटर में आ गए हैं, पहाड़ के उस पार जाना है। सेंटर आ गया, सेंटर ही है तो है। वाओ यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई व्यू तो दिखाओ लोगों को। इतना डर नहीं लग रहा, आप आ जाते हो और आ सकते हो आराम से, बैठ सकते हो, इतना नहीं डर लग रहा। लो भाई साहब एटलीस्ट हम पहुंच गए उस पार, तो डर नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं लगा। पूछो, नहीं लगा, नहीं लगा। मम्मा को दिखाओ तो सही। मम्मा डर लगा, नहीं लगा। अच्छा फील आया, बहुत अच्छा लगा ना, मजा आया। अभी रिटर्न जाना है हमें वापस, इधर रुकेंगे और थोड़ी सी फोटो क्लिक करेंगे, उनसे पूछेंगे कितना टाइम हम इधर रुक सकते हैं, तो इधर भी घूमने का है, उसके बाद देखते हैं फिर वापिस जाना है। रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी है। हाँ। ओके, तो इस बार भी अगर आपको आते आते ना भूख लग जाए 5 मिनट में तो आप इधर भी खा सकते हो, इधर रेस्टोरेंट बना है पीछे। क्या खाना फिर आपने, भूख लगी अभी? नहीं, हम उस साइड वाले में। नहीं रास्ते में भूख नहीं लगी? बहुत ज्यादा लगी, बहुत ज्यादा लगी। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते और क्या, पहाड़ी चढ़ के आए हैं, इतनी बड़ी पहाड़ी क्रॉस की है, बड़ा सेफली मतलब सेफली इन्होंने बनाया है सारा प्रोजेक्ट। और डोर इसके जो है वो ऑटोमेटिक है, अपने आप क्लोज हो जाएंगे, अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, बड़ा सेफली इन्होंने जो डिजाइन किया है सारा जो प्रोजेक्ट है, तो अच्छा लगता है। एक बार आप जरूर अगर इंडिया में आओगे, जम्मू में, तो एक बार जरूर विजिट करना जी, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गए। अभी हम निकलेंगे बाहर। लो हम इधर पहुंच गए हैं फाइनली। तो सुरभि जाना वो बड़े में? नहीं जाना, डर गए? तो अगर आपने वो बड़ा वाला लेना, वो आधा घंटे वाला, तो वहां से आप जा सकते हो उधर वाले में, ये वाला जाता है। इधर पहुंच के फिर आप टिकट बाय कर सकते हो आगे की। पीरखो इस जगह का नाम है, पीरखो। हाँ अच्छा, जहाँ वो आगे वाली जानी है, जो आगे वाली जानी है भाई, वो वाली वो पीरखो जगह है, और वो आधे घंटे का टाइम है वहाँ, वो ज्यादा लंबा चले जाएगा ना। हाँ सही बात है। क्या खाना अभी? उधर वापिस? इधर अभी? अभी फोटो क्लिक करवाते हैं। हाँ हाँ ओके। पेंटिंग अच्छी बनी है ना इधर? तो भाई लोग इधर महामाया टेंपल, ये वाला रास्ता जाता, वो वाला टेंपल है उधर, आप इधर भी रुक सकते हो, वो टेंपल दिख रहा। तो इधर बस अब महामाया टेंपल है। लो जी अब हम लोग वापिस जाने के लिए रेडी हैं। उधर वो हमारा गंडोला आ रहा है अभी, तो उस पे निकलेंगे वापिस जाने के लिए। लो जी अब हम निकल के वापिस जाने के लिए, और यार 2 बजे तो 6:00 बजी होंगी।
इसका मैं अभी ट्रीटमेंट करवाना मुझे। अब ये ढलान में ना जो भी मुझे पूछता है वो पूछता है कहीं गिर पड़े थे, मैंने बोला नहीं नहीं यार ये सनबर्न से हो गया मेरा ऐसे नाक। कितने लोगों ने मुझे पूछ लिया यार आपको सट लग गई यार कहीं गिर पड़े थे, मैंने बोला नहीं गिरी नहीं हूँ भाई ये सनबर्न है। तो इसका ट्रीटमेंट आज ही डॉक्टर के पास गए थे तो आज से स्टार्ट है। वो बोल रहा है 15 दिन में ठीक हो जाएगा, देखते हैं फिर आपको भी बता देंगे अगर किसी को जरूरत पड़ी। सुरभि बताओ फिर अभी कुछ है? मैंने कहा अब नीचे की तरफ जा रहा ना, अब थोड़ा सा फील हो रहा है नहीं हल्का सा जैसे वो झूले में होते हैं, क्योंकि उस टाइम हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, चढ़ाई थी, अब ढलान है। नहीं मुझे नहीं, मुझे तो जैसे पहले था वैसे ही लगा। आप व्यू तो दिखा दो लोगों को। हाँ व्यू तो देखो, व्यू तो दिख रहा है उस टाइम भी आपका फेस ही था। तो लो जी हम फाइनली इधर वापस पहुंच गए हैं, तो अभी हम रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाएंगे। केसी रेस्टोरेंट आपको सिर्फ एक ही मिलेगा इधर, तो मतलब यहाँ पर एक है। हाँ हाँ केसी की इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, उनके होटल्स, उनके स्कूल्स, उनके मतलब कितने सारे रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पर उन्होंने मगर बनाया दोनों साइड, वो साइड भी केसी वालों का ही रेस्टोरेंट है, इस साइड भी केसी वालों का ही रेस्टोरेंट। ओके तो क्या खाना आपने इधर? चलो चलो किसी रेस्टोरेंट का जो फूड है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सही लगा। और आज वाले ब्लॉग का यही हम एंड कर रहे हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और शेयर जरूर दबके कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।